वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट औरंगाबाद। मैं आपका दोस्त मिस्टर मोजो। दोस्तों, आज मैं आया हूँ औरंगाबाद की एक ऐसी खास जगह पर जो कि एक हिमायत बाग का एक हिस्सा है, और यहाँ से आप सूरज निकलता हुआ भी देख सकते हैं और सूरज डूबता हुआ भी देख सकते हैं। ये एक छोटी सी पहाड़ी है और यहाँ पर कुछ दरगाहें वगैरह भी बनी हुई है, तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है। ये एक हिमायत बाग का एक कॉर्नर है और बाजू में खाम नदी भी है और ऊपर से बीबी का मकबरा भी आप यहां से देख सकते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। जो लोग मेरे चैनल ग्रेट औरंगाबाद पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं औरंगाबाद के ताल्लुक से ऐसे ही तारीखी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाता रहता हूँ। अभी हम चलते हैं अंदर। ये एंट्रेंस गेट है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और साइड में कुछ यहाँ पर रुकने के लिए जगह भी है जहां से आप पूरे हिमायत बाग का नजारा यहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा हिमायत बाग है। अभी यहाँ से अंदर जाने के बाद यहाँ पर मज़ारात है, कुछ किनकी मज़ारात है यहाँ पर लिखा हुआ भी है। हजरत शाह जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मीर जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मीर साहब, और हजरत चांदनी बेगम, जिनके नाम से ये चबूतरे का नाम रखा गया है, इसे चांदनी चबूतरा कहते हैं। इस जगह को चांदनी चबूतरा कहते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर एक उस दौर में बना हुआ एक मकान भी है जो कि चपटी ईंटों का और चुनखेड़ी की सीमेंट का बना हुआ है। अंदर से देखते हैं हम, बहुत खूबसूरत मकान हुआ करता था एक दौर में, ये जिसकी छत पूरी तरीके से गिर चुकी है, छत भी और इस साइड की दीवार भी। इस कमरे की अगर बनावट देखी जाए तो ये मुगल फनकारी का नमूना पेश करती है। चपटी ईंट में बनी हुई और पीली सीमेंट में बनी हुआ एक कमरा था, एक जो बहुत खूबसूरत यहाँ से नज़ारा भी देखने को मिलता है। चलते हैं बाहर। इस साइड में आने के बाद यहाँ पर एक खूबसूरत बस्ती यहाँ पर बसी हुई है और पहाड़ वगैरह भी है। एक और एक यूनिक चीज मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ से आप बीबी के मकबरे का भी नज़ारा कर सकते हैं, तो ये है, मैं कोशिश करूँगा आपको बीबी का मकबरा दिखाने की। बीबी का मकबरा, ये देखिए, यहाँ से बीबी का मकबरा बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस चबूतरे की ऊंचाई का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। हज हाउस आप यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बीबी का मकबरा आप यहां से देख सकते हैं, पूरे शहर का नज़ारा आप यहां से कर सकते हैं। ऐसी जगह पर बना हुआ एक चोटी है हिमायत बाग में, जहां से आप पूरे शहर, बीबी का मकबरा और हिमायत बाग सब यहां से देख सकते हैं आप। और ये है औरंगाबाद शहर का कुछ नज़ारा।
चांदनी चबूतरे पर चार ऐसे टावर भी, चार कोनों पे चार टावर बने हुए थे, जो वॉच टावर भी था और जो एक रूम का काम भी करते थे। उसमें से तीन तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे से डैमेज हो चुका है अंदर से, और ऊपर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस कंडीशन में अभी ये मौजूद है। यहाँ से रास्ता है, रास्ता है मतलब था नहीं, लेकिन ये टूटने की वजह से यहाँ से एक रास्ता बन चुका है, और ये अंदर आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये दरअसल एक तहखाना था, और ऊपर एक वॉच टावर के लिए दो चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होती थी। बनावट देखें यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत है, और आज भी ईंटें वैसी रची हुई है। उस वक्त चपटी ईंटों का इस्तेमाल होता था कंस्ट्रक्शन में, और पीली चुनखिड़ी की सीमेंट का इस्तेमाल होता था। अभी यहाँ से रास्ता है वो ऊपर जाने के लिए, ऊपर चलते हैं। ये वॉच टावर, और ये ऊपर से कुछ नजारा है इस तहखाने का। दो काम होते थे इसमें, वॉच टावर भी था और तहखाने का भी काम होता था। और ये है मायद बाग। तो दोस्तों ये थी हिमायत बाग के चांदनी चबूतरे की कुछ मालूमात। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही तारीखी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल ग्रेट औरंगाबाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।